एक समय ऐसा हो गया था कि मैं नौकरी से डेढ़ गुना ज्यादा पैसे कमाने लग गया था। तो अब ये 2500 रुपए, 500 तो हमारी जेब से लगे थे, 2000 रुपए हमें मुफ्त में मिल चुके थे, तो हमने इनकी ऐड चलाई। और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और आप लोगों के भी बहुत करीब आने वाला है, क्योंकि ब्लॉगिंग ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दिया, प्यार दिया, दौलत दिया, सब कुछ मिला, पर उसकी शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में। और ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आप लोगों के भी बहुत करीब आने वाला है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इमोशनल होती हैं। ब्लॉगिंग ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दिया, प्यार दिया, दौलत दिया, सब कुछ मिला, पर उसकी शुरुआत कैसे हुई? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, या तो आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आप पहली बार कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से आपको परेशानियां होती हैं, किन किन चीजों से आपको खुशी मिलती है। तो मेरी एक दरखास्त है आप लोगों से कि जैसे ही मैं ये पूरी अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, जो भी चीज आपको कनेक्ट लगे, कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है, तो प्लीज उन सब एक्सपीरियंसेस को कॉमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो वीडियो है ये है बेसिकली मेरा पहला ब्लॉग। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद, जब मैंने पहला ब्लॉग ये जब बनाया था, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि आज से 2013 समथिंग में मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था कि 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा और इस ब्लॉग के बारे में आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, मैं नौकरी करता था, मैं TCS में था, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर जॉब थी मेरी। कभी अगर उस समय मैं किसी को बोला होता, मेरे घर वालों को या खुद को भी, कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा अपनी TCS की, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इन सब चीजों की कि ऐसा मेरे साथ लाइफ में आगे होने वाला है। एक चीज मैं बस आगे बोल दूं आप लोगों को कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और हर बंदा मुझसे कहता है कि जो पहली चीज किक करी उसको मुझे देख के कि मैंने TCS की नौकरी छोड़ी, तो प्लीज इस चीज से इंप्रेस ना हो कि TCS की नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा मैंने कोई काम कर दिया है। आप भी एक साथ सारी चीजें कर सकते हो, नौकरी में रह के भी कर सकते हो, नौकरी की अपनी इंपॉर्टेंस है। मुझे देख के आप ये इंस्पायर ना हो जाएं कि आपको नौकरी ही नहीं करनी है, नौकरी अपनी जगह बहुत सारी चीजें सिखा के आती है, आपको इस वीडियो से वो भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी और मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जॉब से वो बहुत ज्यादा दुखी थे, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था, मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी जॉब को। एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे भाई की हुई शादी, मेरे से छोटा भाई है, उसको वो भी TCS में ही है अभी भी, और उसको शादी होते से ही तुरंत ही वो UK चला गया। और UK जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी वाइफ को भी नौकरी करनी थी वहां, और एक्सेंट प्रॉब्लम के कारण हमारी जो यहाँ पे हम इंग्लिश बोलते हैं और वहां पे जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो दोनों में काफी डिफरेंस है, तो उस एक्सेंट की वजह से उसको वहां पर जॉब नहीं मिल रही थी। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि यार कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे उसकी वाइफ बिजी रहे, वरना वो फोर्स कर देगी कि भाई इंडिया आना है, इंडिया में जॉब करनी है मुझे। ओके, तो यहां से हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमें कुछ करना है, अभी भी ब्लॉग नहीं था, कुछ करना है। अब मैं था उस समय एक .NET का डेवलपर, .NET के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है SharePoint, तो SharePoint का मैं डेवलपर था जो कि .NET प्लेटफॉर्म पे बिल्ट होता है, .NET एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं .NET। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहला अपना डोमेन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्यापारकेंद्र.com बाय किया। उस समय हमें पता चला कि एक्चुअली एक डोमेन भी होता है जब आप एक कोई वेबसाइट, अच्छा उस समय हमने नहीं सोचा था कि हमें ब्लॉग बनाना है, हमें उस समय एक वेबसाइट बनानी थी और हम सोच रहे थे कि इस वेबसाइट को बनाकर हम क्लाइंट के सामने पिचिंग करेंगे कि देखो हम ये सारी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं तो उससे हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिले। तो उस समय हमारा मेन एम ये था कि हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है। ओके, तो हमने पूरा ये सब .NET
.NET पे करने का सोचा कि हमें .NET में करना है क्योंकि मैं .NET पे था। तो हमें पता चला कि वेबसाइट बनानी होती है तो एक डोमेन खरीदना होता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि डोमेन खरीदना होता है। तो सबसे पहला ये जो डोमेन है हमने यहाँ पर व्यापार किया, व्यापारकेंद्र.com। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा क्या करें, तो मैं जब उस समय जब हमने ये चालू किया था, मैं गुड़गांव में पालम विहार नाम की एक जगह पे रहता था और वहां पर एक मार्केट था व्यापार केंद्र। तो वहां पर करीबन 200-250 शॉप्स थी, पर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। इंटरनेट उस समय इतना पॉपुलर भी नहीं था, स्मार्टफोन्स भी बहुत ही नए लॉन्च हुए थे, बहुत ही रेयरली किसी लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते थे, इतना कॉमन नहीं है जितना आज की तारीख में आप ये देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि ये सोचा कि ये जो मार्केट है इसको हम डिजिटलाइज करते हैं, ठीक है ना। आप अभी आज की तारीख में Amazon, Shopify ये सारी चीजें सोच रहे होंगे, तो वो सारी चीजें हमने उस समय सोच ली थी कि हमें करनी है। और हमने कहा था कि हर एक जो शॉप होगी उसका हम एक ई स्टोर अपने साइट में बनाएंगे और यहाँ पर क्या होगा कि वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं जो भी उन्हें डालना है। तो होता क्या था कि पहली चीज तो हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि व्यापार केंद्र में है कितनी शॉप्स, किन किन चीजों की शॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बटन चाहिए तो क्या एक टेलर की शॉप है वहां पे, है तो कहां पे है। सेकेंडली कोई ग्रोसरी की शॉप भी है तो उसके पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरनेट पे देख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि उस समय भी फोन करके हम ऑर्डर मंगवा सकते थे अपने पास में। तो ये सारी चीजें थी, तो हमारा ये मेन एम ही था कि हम उन साइट को लिस्ट करें और उनका बिजनेस बढ़े। हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए हमने सोचा था कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी बनाएंगे और वहां से मोनेटाइज करेंगे। ओके, ये सारा थॉट प्रोसेस था। अब ये करते करते क्या हुआ कि सिंस मैं जॉब कर रहा था, जॉब करने में मेरे पास ज्यादा टाइम होता नहीं था और जो काम सारा करना था मेरे ब्रदर को और उसकी वाइफ को करना था, मेरा ब्रदर भी अगेन जॉब कर रहा था और मेरी उसकी वाइफ को सॉफ्टवेयर का इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे .NET करे, तो उसका पूरा टाइम .NET सीखने में चला जा रहा था, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं जा रहा था। अच्छा, अभी ये ब्लॉग आप डोमेन आपको इस वजह से दिख रहा है कि हमने इसको रिन्यू नहीं कराया। और रिन्यू क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये मेरा पहला फेल्ड ब्लॉग है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि दीपावली मेरा बहुत ही फेमस एक हिंदी ब्लॉग है, वो 27 ब्लॉग फेल होने के बाद बना था। तो उस 27 में से पहला ये ब्लॉग है व्यापारकेंद्र.com। अब ये क्योंकि फेल हो चुका था तो हमने इसको रिन्यू कराया नहीं, तो इसके लिए हमें वे बैक मशीन में जाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं वे बैक मशीन, अगर आपको नहीं पता archive.org, इसमें पता चल जाता है कि आपका ब्लॉग पहले कैसा था, कैसा दिखता था, वो सारी चीजें हैं। अब जब मैंने ध्यान दिया, उस समय तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, ये डोमेन एक्चुअली पुराना था, किसी और ने पहले ले रखा था 2007 में, तो ये एक एक्सपायर्ड डोमेन था जो फेल हो चुका था। सामने वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, उससे कुछ हुआ हुआ नहीं और उसने भी डोमेन को रिन्यू नहीं कराया और मैंने डोमेन ले लिया 2013 समथिंग में। ओके, तो एक एक्सपायर्ड डोमेन था जो मुझे अभी पता चल रहा है, पहले मुझे नहीं पता था। ओके, अब मैंने बाय कर लिया। बाय करने के बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं। अब क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बताया कि भाई उस समय जो मेरे ब्रदर की वाइफ है, अंकिता नाम है, अंकिता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पहले, क्योंकि सीखना था, इतनी जल्दी तो कोडिंग सीख भी नहीं सकते हैं। तो हमें एक और चीज पता चली कि यार अब आपने डोमेन ले लिया है तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, उसमें ब्लॉग लिखना चालू कर दो। तो ब्लॉग भी हम लोगों ने किस चीज में सोचा करने के लिए, फाइनेंस। क्योंकि फाइनेंस को क्यों चुना, क्योंकि मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा था। जब मैं TCS में काम करता था, एक BOB नाम का कॉन्सेप्ट होता था, बुके ऑफ बेनिफिट। उसमें क्या होता था कि TCS हमसे कहती थी कि आप अपना पेरोल, जैसे उन्होंने पैकेज डिफाइन कर दिया कि आपका इतना पैकेज है, और उस पैकेज में कुछ चीजें वो डिफाइन कर देते थे कि इसके साथ आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, कि बेसिक सैलरी वगैरह आपकी कितनी है, बाकी बहुत सारी चीजें कि आपको HRA कितना चाहिए है, कुछ कूपन्स होते थे, सुडोस्को नाम के कूपन्स होते थे, वो आपको कितने चाहिए, वो सारी चीजें हम कस्टमाइज कर सकते थे। अब इन सब चीजों से टैक्स बेनिफिट भी मिलता था। तो मैं TCS में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे सबका बुके ऑफ बेनिफिट मैं ही सेट करता था, जिससे मैक्सिमम उनको फायदा हो टैक्स में। इनफैक्ट उन सबके, मेरे और उन सबके ITR फाइल भी मैं खुद ही करता था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने फाइनेंस के बारे में यहां लिखा, और ये सारी चीजें वर्डप्रेस में नहीं है, अभी वर्डप्रेस तो हमें पता ही नहीं था, ये सारी चीजें हम .NET पे कर रहे हैं, पूरा हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। अब जब हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और हम चीजें शेयर करने लग गए लोगों पे, कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग लिखा, तो आप कोई ब्लॉग लिखते होगे तो आप शेयर करते होगे, तो हमने शेयर किया फेसबुक पे या ऑरकुट पे जो भी था उस समय, और जब शेयर किया तो कुछ जो अगेन हमारे फ्रेंड्स से जिन्हें एक्सपीरियंस था, उन्होंने हमारे पास आए और बोला भाई तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें अगर ब्लॉगिंग करनी है तो तुम वर्डप्रेस पे जाओ। अगर मैं तो हमने कहा नहीं हमें ब्लॉगिंग नहीं करनी है, हमने तो शौक में ये ब्लॉगिंग करना चालू कर दिया, हमारा मेन एम तो ये हमें .NET पे डेवलप करना है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है तो .NET पे करो, पर अगर
अगर ब्लॉग बनाना है तो वर्डप्रेस से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वहां से हमें वर्डप्रेस के बारे में पता चला। ओके, हमने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि समय हमें धीरे धीरे करके सिखा रहा है। मैं कहीं इंटरनेट पे नहीं गया कि ब्लॉग क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक्स आते रहे, हम काम करते रहे। तो अगेन, जैसे ही हमारे पास अब ये आया तो हमने क्या किया, अभी इसको .NET पे रखा, अभी तक हमने चेंज नहीं किया था, पर एक और उस समय हमने डोमेन ले लिया और उसको वर्डप्रेस पे डाल दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप नए ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाएं, देखो ब्लॉगिंग फ्री में भी हो सकती है, फ्री ब्लॉगर में कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि वर्डप्रेस की तरफ जाओ तो मैं रिकमेंड करूंगा आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर, सारे जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूं, बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो काफी डिस्काउंट उनके चल रहे हैं अभी। अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको यूज करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से बाय करते हैं तो प्लीज हमें इनवॉइस मेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। अब हमारा प्रोसेस चालू हुआ कि अब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, वर्डप्रेस नाम की भी चीज होती है। तो धीरे धीरे हमें, फिर जब हम ये काम करने लग गए तो हमें रियलाइज हुआ कि देखो ये सब है ना सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना हमारे बस की बात नहीं है, हम है ना ब्लॉगिंग ही करना चालू करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको अपना इसका अबाउट अस दिखाना चाहूंगा कि आपको समझ में आ जाए बेसिकली कि देखिए हम वही कर रहे थे जो हम कह रहे थे। अबाउट अस में लिखा है, vyaparkendra.com इज डिजाइन टू प्रोवाइड दी शॉप इन्फॉर्मेशन, दैट इज शॉप नेम, एड्रेस, शॉप डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, सिचुएशन इन व्यापार केंद्र पालम विहार गुड़गांव। तो ये देख रहे हैं कि उस समय भी हमने क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। और नीचे आपको दिया होगा कि हमने लिखा व्यापार केंद्र हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ ब्लॉगिंग साइट azadkhayal.com। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, पर ब्लॉगिंग के लिए हमने दूसरा डोमेन चुन लिया था कि हमें वहां ब्लॉगिंग करनी है, यहां हमने सोचा ही नहीं था। पर अब हमें रियलाइज हो गया था कि नहीं यार भाई, ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये कैसे रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें करते करते अगेन मेरा एक और दोस्त था, उसने कॉन्टेक्ट किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो हमने बोला ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, उसकी डील से रिलेटेड एक साइट थी। उसने कहा कि अंकिता क्या उसके लिए काम करेगी, कर लेगी। तो उसने अंकिता को 2000 रुपए महीने ऑफर किए और अंकिता का काम क्या था, अलग अलग जगह जाके डील्स को देखना। और उसने कुछ जगह भी हमें बताई जहां का यूजर आईडी पासवर्ड हमें शेयर किया कि वहां से आप डील्स उठाओ और उसके ब्लॉग में डालो। तो एक तरीके से डेटा एंट्री का काम था जिसके उसने 2000 रुपए महीने हमें दिए और हमने खुशी खुशी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। 2000 रुपए बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, हमारे लिए बड़ी बात क्या थी कि उससे बहुत कुछ हम सीखने वाले थे और ऐसा ही हुआ। तो अगर आप लोग भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज छोटे अमाउंट, अगर आप किसी के साथ काम करते हैं और आपको छोटा अमाउंट देता है तो आप ये ना सोचें कि आपको छोटा पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसी सब 2000 की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं और ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। अब इसके बाद हम ब्लॉग जब बनाने लगे तो हमें रियलाइज हुआ कि यार इसमें मोनेटाइजेशन होता है और गूगल का ही एक प्रोडक्ट होता है एडसेंस करके। तो जब हम एडसेंस लगाएंगे अपने ब्लॉग में व्यापार केंद्र में ही तो हमें पैसे आने लग जाएंगे। तो हमने जिस दिन सोचा कि हमें ब्लॉग बनाना है, हमने कहा 1 साल तक हम एडसेंस अप्लाई नहीं करेंगे। और ये क्यों हमने सोचा था, क्योंकि उस समय तक हम और भी दूसरे ब्लॉग्स पढ़ने लग गए थे, उनका कहना था कि भाई पैसे के पीछे प्लीज ना भागें, जो मैं भी कहता हूं शुरू में, आप सीखें, मेहनत करें, अपने ब्लॉग को बनाएं, अच्छा कोशिश करें कि उसमें अच्छा ट्रैफिक आने लग जाए, उसके बाद आप एडसेंस अप्लाई करें। तो हमने डे 1 से डिसाइड कर लिया था कि 1 साल तक एडसेंस अप्लाई नहीं करेंगे। पर जैसा आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और हमने 1-1.5 महीने बाद एडसेंस अप्लाई कर दिया। और हमें 100% पता था कि आंसर आने वाला है रिजेक्टेड, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय 2-stage प्रोसेस हुआ करता था। और हुआ क्या कि stage 1 में ही हमें एड्स दिखने लग गए व्यापार केंद्र में। खुशी का हमारा ठिकाना ही नहीं रहा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, इसमें एड्स कैसे आने लग गए। और फिर उसके बाद क्या होता था कि stage 2 होती थी, जब हम stage 2 में गए तो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो रिजेक्शन का बहुत ज्यादा दुख हुआ उस समय, बहुत ज्यादा दुख हुआ। हम अप्लाई नहीं करना चाहते थे। stage 1 में जब हमने अप्लाई किया, हम अप्रूव हो गए, और जब stage 2 में रिजेक्ट हुए तो हमें दुख हुआ। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। पर अब एक चीज हमें पता चल गया, यार ये तो मजा आ जाएगा, एडसेंस तो कभी भी अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि दूसरा ब्लॉग वगैरह बनाना चालू कर दिया। अच्छा, इसको भी ब्लॉग में ही हम कन्वर्ट कर चुके थे, हम डेटा डालने लगे, फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ। इस तरीके से करते करते 1-1.5 महीने बाद हमारा, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे आ चुके थे, और हमारा एडसेंस फिर अप्रूव हो गया। अच्छा, एडसेंस हमने कहां से अप्रूव कराया, इंडिया से नहीं कराया, यूके से अप्रूव कराया, क्योंकि धीरे से हमें पता चला उस समय इंडिया में उन्होंने ये पॉलिसी कर रही थी कि इंडिया चाइना में, कि आपका ब्लॉग 6 महीने से ज्यादा पुराना होना चाहिए तब जाके एडसेंस अप्रूव होगा। और यूके में ऐसा कुछ नहीं था कि आप बनाओ और अप्रूव
अप्रूव हो जाता है, क्योंकि मेरा भाई यूके में था उस समय, हमने वहां से अप्लाई किया और खट से हमारा अप्रूव हो गया। अब अप्रूव होने के बाद हम डेली एडसेंस रिफ्रेश करते $0, फिर हमने किया $0, फिर हमने किया फिर $0, तो फिर हमने कहा यार इसमें तो पैसे आएंगे नहीं, पहले ट्रैफिक लाना पड़ेगा। और उसी समय फिर हमें पता चला एडवर्ड्स नाम की एक चीज होती है, जो अगेन गूगल का एक प्रोडक्ट था, जिसमें स्कीम चल रही थी कि ₹500 का अगर आप रीच करते हो इनिशियली तो ₹2,000 का वो आपको क्रेडिट देंगे, मतलब ₹500 में आप ₹2,500 की एड चला सकते हो। तो हमने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, हमने एडवर्ड्स में रजिस्टर किया, एक महीने में आपको ₹500 खर्च करने थे। तो हमने बनिया बुद्धि लगाते हुए कि कंजूसी से ऐसे करके पूरा सेट किया कि एक महीने में हम ₹500 खर्च करें, जिसमें उसके बाद हमें ₹2,000 का क्रेडिट मिले, हमने कर लिया। तो इस तरीके से ट्रैफिक आने लग गया हमारी साइट पे। अब ट्रैफिक आने लग गया तो एडसेंस भी था वहां पे, तो ट्रैफिक यहां से हम एडवर्ड्स से लेके आ रहे थे और एडसेंस से पैसे आने लग गए। तो हमें लगा यार ये तो बहुत मजेदार चीज है। अब जब ₹500 फिनिश हो गए तो हमारे पास ₹2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट आ गए, ₹2,500। तो अब ये ₹2,500, ₹500 तो हमारी जेब से लगे थे, ₹2,000 हमें मुफ्त में मिल चुके थे, तो हमने इनकी एड चलाई। तो टोटल ₹500 में कुछ हमने देखा कि हमें ₹5,000 की रेवेन्यू हो गई, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग था वो फाइनेंस रिलेटेड था। सिंस मैंने बताया कि जो ₹500 भी हमें मिले थे, हमने ये नहीं सोचा कि ये फ्री के पैसे हैं। हमने एड भी बनाई तो उनको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज किया कि सस्ते से सस्ती एड कैसे चले। तब हमें पता चला आर्बिट्राज मॉडल, जो मैं काफी अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि तो इसी तरीके से आर्बिट्राज काम करता है कि बेसिकली आप एक सोर्स से पैसे लगाते हो और दूसरे सोर्स से पैसे कमाते हो। ऑर्गेनिक में तो आपके कोई रुपए नहीं लगते, जैसे अभी मैं पूरा ऑर्गेनिक में काम करता हूं, तो जितनी रेवेन्यू हो रही है वो मेरी फ्री की रेवेन्यू है। पर आर्बिट्राज में क्या होता था कि हम एडवर्ड से पैसे लगाते थे और एडसेंस से हमारी कमाई होती थी। तो अब आपको आर्बिट्राज वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमारी जिंदगी में आर्बिट्राज आया। ये आर्बिट्राज ही था जिसने मुझे मजबूर किया था ये सब काम स्टार्ट होने के 1.5-2 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि इसी आर्बिट्राज से समय ऐसा हो गया था कि मैं नौकरी से 1.5 गुना ज्यादा पैसे कमाने लग गया था और मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि अब मेरा वक्त आ गया है नौकरी छोड़ने का। अब अगर आप देखेंगे तो ये काम मैंने चालू कराया था अंकिता की वजह से, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए। वो हमारे साथ अभी काम कर रही थी, पूरे प्रोसेस में पूरा काम कर रही थी, पर मुझे किक मिल गई कि नहीं यार ये तो बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपनी नौकरी छोड़ना चाहिए। और मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि ये जो आर्बिट्राज वगैरह का काम होता था उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता था बहुत ज्यादा, कि एड प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, कि हमारे कम से कम रुपए लगे, क्योंकि जो पैसे आने हैं एडसेंस से उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हम कुछ भी ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते थे, पर एडवर्ड्स के साथ हम छेड़खानी कर सकते थे कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें कि हमारे कम से कम रुपए लगे। तो इस वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। तो ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है कि भाई कैसे मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया। और ये ब्लॉग फेल क्यों हुआ, अल्टीमेटली बिकॉज हमने ऑर्गेनिकली सोचा ही नहीं इसके बारे में काम करने से, आर्बिट्राज से हमारे पैसे आ रहे थे, हमने सोचा ही नहीं कि हमें ऑर्गेनिकली कुछ काम वगैरह करना है। ऑर्गेनिक काम करने का मेरा कब किक आया, जब ये आर्बिट्राज मेथड फेल हो गया, जॉब छोड़ने के 6 महीने बाद ही ये जो पूरा आर्बिट्राज का मेरा सिस्टम है पूरा का पूरा क्रैश कर गया। तो जिस वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी आर्बिट्राज, वो पूरा का पूरा सिस्टम 6 महीने बाद खत्म हो गया था। और उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक एसईओ पे काम करना चालू किया, अदरवाइज ब्लॉगिंग के शुरू के 2 साल तक मुझे एसईओ नाम की चिड़िया का पता भी नहीं था कि कैसे होती है और क्या होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं लेसन लर्न्ड इन सारी चीजों से, कि शायद अगर आर्बिट्राज ना आता, शायद अगर मैं नौकरी ना छोड़ा होता, तो मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कभी स्टडी ही नहीं करता। क्योंकि अपने आप में देखो, मुझे ना पैसा बहुत जल्दी आने लग गया ब्लॉगिंग से। अभी आप देख रहे होगे, आप नया ब्लॉग बनाते, मैं खुद अगर नया ब्लॉग बनाता हूं बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत टाइम लगता है आपके ब्लॉग को ग्रो होने में। तो पेशेंस शायद मेरे पास भी उतना ना होता, आपके पास भी उतना पेशेंस नहीं होगा, इसी वजह से आप ब्लॉगिंग छोड़ देते हो। पर ये सारी चीजें करके मुझे पता चल गया, मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, ब्लॉगिंग में पैसा है और चलो ऑर्गेनिकली कुछ काम करते हैं, अब देखते हैं सीखते हैं। तो सारी चीजें फिर मैंने ऑर्गेनिकली सीखी। तो ये मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। इस टाइप की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, ये सारी चीजें भी प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप ब्लॉगर हैं और अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज सारी चीजें, जो भी सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, उनको एक जगह लिखना जरूर चालू करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है
आज से 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद आप बहुत बड़े ब्लॉगर बन जाओ और आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फेल्ड ब्लॉग के बारे में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि एक फेल्ड ब्लॉग भी लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकता है। अगर आपका ब्लॉग भी फेल हो रहा है तो उसे डीमोरलाइज नहीं होइएगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके जब आपको सक्सेस मिले तो आप भी मेरी तरह बैठ के अपने फर्स्ट फेल्ड ब्लॉग की स्टोरी दुनिया के सामने शेयर कर रहे हो और दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही है। यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पे मैं नए नए ब्लॉगर्स के ब्लॉग रिव्यू करता रहता हूं। अगर आप भी नए ब्लॉगर हैं और अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना चाहते हैं तो टाइप करें पवन अग्रवाल ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट, हमारा ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगा, जहां पर पूरा प्रोसेस है कि आप अपना ब्लॉग रिव्यू के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस इसी चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो उसको भी चेकआउट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।